पड़ेगा। इतने बड़े एरिया में लोग इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगाए हुए हैं, अच्छा लग रहा है देख के। और जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गिर जाएगा उधर, मंकी है। साली जी हमारा वीडियो बनाओ थोड़ा सा, हैं? कुछ बोलूंगी नहीं मैं। इतना अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक प्लेस दिखाता हूँ जहाँ पे वो सुनोना संगमरमर की शूटिंग हुई थी। मुझे नहीं पता उस मूवी का क्या नाम था लेकिन गाने का नाम पता है। मैं आपको उसी प्लेस के पास ले जा रहा हूँ क्योंकि वो यहीं शूटिंग हुआ था और वो ज़रूर देखिएगा। और वो लखनऊ में शूटिंग हुआ था और लखनऊ में जो ये अम्बेडकर पार्क है यहाँ पे ये शूटिंग हुआ था। और मैं आपको उसी प्लेस के पास ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। तब तक हमारी बातों को ध्यान सुनिए क्योंकि मैं वहीं ले जा रहा हूँ और देखिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा आपको देख के। और यहाँ पे आना हो तो ज़रूर आइए क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ और पहली बार में ही मेरे को देखो धूप में आया हूँ फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो जो भी प्राणी जन लखनऊ आए तो एक बार यहाँ पे आके अपने दिल को दिलासा जरूर दें क्योंकि यहाँ पे आने के बाद से बहुत अच्छा लगता है। चाहे धूप हो, चाहे शाम हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, यहाँ पे आने के बाद से आपको पक्का बता रहा हूँ जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेस बनाया है ये। बस ये गलती कर दी यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए, बनाया तो है लेकिन धूप में बनाया है, इसके ऊपर छत नहीं है। बस ये मेहरबानी कर रहे थे इस पर एक स्टैंड डलवा दे ताकि इतना दूर में जो बनाया हुआ है इसमें थोड़ा सा लोग भी बैठ के अपना मनोरंजन कर सके। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वाइफ और मेरी साली और मेरा बेटा तीनों कितनी मस्ती कर रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो पता नहीं इनको क्या मिल गया है और ये लोग भागते जा रहे हैं। और देखिए उनके जस्ट आगे यहाँ पे यही शूटिंग हुआ था सुनोना संगमरमर का और हम लोग भी शूटिंग करेंगे कुछ गाने की। मैं आपको थोड़ा सा और करीब होकर दिखाता हूँ। ये लोग इतने तेज़ भाग रहे हैं, पता नहीं इनको आज क्या मिल गया है। और इनके आगे पीछे अभी देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे। सही में मानना पड़ेगा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहाँ पे आने का मज़ा ही कुछ और है। और मैं अगर फिर दोबारा लखनऊ आता हूँ तो ज़रूर आऊँगा यहाँ पे। यही सुनोना संगमरमर की शूटिंग हुई थी और ये जो मेरे आगे पीछे हाथी देख रहे हैं नकली है और यहीं पे गाने की शूटिंग हुई थी। ये गाना बहुत हिट हुआ था जो पहली बार बना था, ये अम्बेडकर मेमोरियल पार्क यहीं पे शूटिंग हुआ था देखिए। और यहाँ पे हमारा शूटिंग होगा अभी, हमारे गाने की यहीं पे अभी शूटिंग होगी। अभी देखो मुझे पता है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा यार, बहुत ही दूर में बनाया हुआ है ये, बहुत ही ये देखिए वाओ क्या गजब के नज़ारे हैं यार। मैडम जी हमसे पूछ रही हैं कैसा लगा, मैंने बोला कि आपने बनवाया है क्या प्लेस, इधर देख के बात कीजिए, अब इधर देख के बात कीजिए। ओवर एक्टिंग नहीं, इधर देख के बात करो, मैं आंसर दो, आंसर दो। मैडम जी कैसा लगा आपको? और मैं बताता हूँ ये कब बन के तैयार हुआ था, ये बन के तैयार हुआ था 25 जून 2009 को, ये बन के तैयार हुआ था, समझ में आया? मैं बताता हूँ 25 जून 2009 को तैयार हुआ था क्योंकि तुम्हारे पीछे एक बोर्ड है उस पे लिखा हुआ है ये। पहली बार तो मैं ही देख रहा हूँ, देखा है नेट पर, नेट पर देखा है ना, तो यहाँ पे पहली बार देख लिया ना, वो भी मेरी देन है। आपकी देन? हाँ मेरी देन है, यानी कि मेरे वजह से तो आए हो। अगर मैं सुबह सुबह गुस्सा नहीं होता तो यहाँ पे आते थोड़ी ना, सुबह सुबह गुस्सा हुआ तभी ये लोग आए यहाँ पे। यार कितने बुरे लोग हैं। छी कौन सा ब्रांडेड लाइक है, कौन सा गाना बना है? एक बना है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा गाना बना है।
हे गाइस, यहाँ पे आके और हमने ये जितने भी नज़ारे दिखाए आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ ना लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, समझे? और ये आदेश नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी एक छोटे से यूट्यूबर से थोड़ा सा बड़े यूट्यूबर बन जाए, समझे ना? और आज कितने दिनों बाद हम थोड़ा सा मौज मस्ती करने आए हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कीजिए और अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे सेल्फी चल रहा है, सेल्फी वाला मौज है। बहुत सारी फोटोग्राफी, बहुत सारी इंस्टाग्राम का वीडियो सब चीज़ बना के, और अब हम लोग जा रहे हैं। अभी तो यार ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे बस देख लो, ये इनका मौज मस्ती इतना बड़ा है कि भाई हम थक गए हैं, और बाबू बार बार बोल रहा है कि हमें मेरे को पानी पिला दो, मेरे को पानी पिला दो। और बहुत अच्छा लगा, बट हम आए थे धूप नहीं था, लेकिन अब धूप हो गया है। वाह वाह। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ओके? ये देखो दोनों को मज़े में एकदम मौज मस्ती करते हुए। ये इसको तो इतना मारूंगा ना, किस दिन फेंक फेंक के मारूंगा, फेंक फेंक के। ज़्यादा ही मज़े मस्ती आ रही है ना। बाबू को बहुत तेज़ प्यास लग चुकी है, और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उसको पानी पिला। ए बहुत ज़्यादा भोजपुरी चलता है बाबू के सामने। हाँ मुँह खोल दे। घूमने के बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और अब हम जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि देख रहे हो शक्ल कैसा हो गया है घूमते घूमते, और हवा इतना बह रहा है ना, हवा इतना बह रहा है कि हालत ख़राब हो जा रही है। और इन मैडम का शिकायत ये है, इन मैडम का शिकायत ये है कि इनके जो बाल हैं ये उड़ जा रहे हैं हवा में, है ना, और ये परेशान है अपने मतलब बालों से ही। इन्होंने चुन्नी ले लिया है, जब भी कोई शूटिंग करना है या फिर वीडियो हमें बनाना होता है तो चुन्नी डाल दे रही है बालों में। फिर से चुड़ैल बन गई है क्या यार? ये लोग अभी तक इनका शूटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखो शूटिंग हो रही है इन सब की, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। हमारा टूर ख़त्म नहीं हुआ है, और आप ये देख सकते हैं अभी अब वहाँ पे तो गए ही नहीं है। अभी यहाँ का जो ये प्लेस जो दिख रहा है ऊँचे पे, यहाँ पे तो गए ही नहीं है, टीले पे तो गए ही नहीं है। अभी नीचे नीचे घूमते घूमते हमसे कम समझिए कम से कम 2-3 घंटे हो गए हमें नीचे घूमते हुए, अभी भी मन नहीं भर रहा है। और ये लोग चिल्ला रहे हैं पानी पानी पानी। ये नेहा को भी प्यास लग गया है, नीलू को भी प्यास लग गया है, और बेटा तो जब से घुसा है तब से बोल रहा है पानी पानी। और यहाँ पर कहीं पानी वाला वो साधन नहीं है, वहाँ जाएंगे, वहाँ लास्ट हमारा, उसके बाद फिर हम लोग घर निकल जाएंगे। अभी बहुत तेज़ धूप था, लेकिन अब धूप नहीं है, अब अच्छा लग रहा है। और अब जब देखो, जब अच्छा लग रहा है तो इन लोगों को प्यास लग गई है, बताओ यार। अभी हम जा रहे हैं वहीं ऊंचे टीले पर जा रहे हैं, अभी मैंने जो बताया आपको, वहाँ पर जाने के बाद से फिर हमारा जो है ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और जगह पर जाएंगे, वहाँ पर भी मैं आपको ऐसी मस्तियाँ करते हुए दिखाऊंगा। अभी तो खैर मस्ती तो कर नहीं रहा, शुरू शुरू में किया था क्योंकि सब सारे लोग थक चुके हैं, इसलिए मस्तियाँ नहीं कर रहे। मार भी खाइए तो 4 थप्पड़ी भी। चलो वीडियो के चक्कर में, वीडियो हम शूट कर रहे थे उसके चक्कर में मार खाइए। अब वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। बाबू को बहुत तेज़ प्यास लग चुकी है, अच्छी लगी वीडियोस, और तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग भी बोल दो कि प्लीज़ लाइक वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बोल दो, बोलो बोलो दीदी, बोल दो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन भी कर दीजिए। बोलो जी, बोलो सेम। थैंक यू सो मच आप लोगों का लास्ट तक साथ देने के लिए हमारे वीडियोस में, एंड बाय। और फिर से अगेन मैं बोलना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, और इन लोगों की तरफ से। बाय 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 बाय, हैव अ नाइस डे, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। हम लोग जा रहे हैं घर, और ये देखिए हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल। आपको वीडियो अच्छा लगा बेटा? बोलो बाय, बोलो बाय। मातरम।
यहाँ के क्राउड ने मुझे मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए फिर से, और ये वीडियो जरूर डलेगा। और ये देखिए उतरने वाला है बच्चा मेरा सवास। क्या अच्छा लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और अगेन थैंक यू सो मच, अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।